चार पाँच दिन के बाद मैं निकला हूँ राइड के लिए। आज भी मौसम नहीं था, बहुत ही बारिश चालू, फिर भी आज रहा नहीं गया तो आज मैं निकल गया। देख सकते हैं आप कितना पानी पड़ गया है यहाँ पे पवना रिवर में, फ्लड लाइक सिचुएशन हो गया इधर, पूरा पानी पानी हो गया। राइड नहीं हुआ तो भी वही होता है, वॉक करके मुझे उतना वॉक उतना पसंद बोरिंग लगता है, इतना राइड में मज़ा आता है। राइड में डिस्टेंस से सोचते हैं, लोग वॉक में सोचते रहते कि इतना करेंगे उतना करेंगे। राइड में 40-50-60 कितना 20 किलोमीटर हो जाएंगे तो उतनी पसंद भी आती है, बस बॉडी सेट हो जाए राइडिंग के कारण। अगर लवली मौसम, कपड़े पूरे भीग गए लेकिन उसको कुछ लग रहा नहीं, कम नहीं। तो फिर से घर जाने के लिए, ये मेरी साइकिल क्या हालत ऐसी हो गई, अभी रेनकोट हो गया तो पूरा मडी हो गया, टायर्स हो गया, कैप भी चाहिए हेलमेट पहन लाने, बारिश का जो बूंदे चेहरे पे डायरेक्टली लगती है, टायर तो गलत होने के बाद ठीक करते सही रिजल्ट मिलता है, अदरवाइज तो कभी भी पंक्चर हो जाते हैं क्या, जरूरत नहीं लेना चाहिए 6-7 महीने, अगर रनिंग रेगुलर है तो 6 महीने में टायर तो चेंज होने चाहिए, अगर डेली रनिंग है तो अदरवाइज जरूरत नहीं चल सकते, वैसे जो उस पर क्रैक्स आ जाते हैं अगर यूज नहीं करेंगे, 1 साल के बाद चेंज करने पड़ेंगे। ओके गाइस, यूएस को दिन भर से लड़ाई रखते थे कि मेरे आने वाली वीडियो आप देख सकते, अब मेरे से जुड़े रही और आप लोग भी क्या है हम शिरगांव, एक्चुअली आज वड़गांव जाने का प्लान था, अकॉर्डिंगली लेकर मैं आपको शिरगांव आ गया, चढ़ाना नहीं पड़ता टाइम पूरा कर लिया सबको, जो भी दिल से चाहता है उसको सबको सही का आशीर्वाद है। नेक्स्ट अब निकलता हूँ, रिटर्न राइड भी उतना ही करना है, 25-30 किलोमीटर बैक जाना है तो टोटल 50-60 का राइड होना चाहिए आज, बहुत ही प्यारा नजर अभी सोलो राइड में रख सकता हूँ, जरूरत नहीं लग सकती थी लॉन्ग राइड पर भी एक ग्रुप में गए थे, 40-50 का राइड कौन कर लेता हूँ। गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।